हेलो, वेलकम टू द चैनल आई क्यू द होप। माय नेम इज मंसूर अहमद। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वाले वीडियो के अंदर हमने टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन कश्मीर वैली के अंदर जो है डिस्कस की थी, आज के वीडियो के अंदर जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन जम्मू के अंदर हम डिस्कस करेंगे। छोटा सा वीडियो रहेगा, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। सबसे पहली टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो अखनूर फोर्ट है। अखनूर फोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये अखनूर के अंदर जो है हमें देखने को मिलता है, और ये जो है आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जो हरप्पन सिविलाइजेशन के हैं वो हमें इस अखनूर फोर्ट के अंदर जो है वो देखने को मिलते हैं। और ये जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट से 28 किलोमीटर अवे फ्रॉम द जम्मू डिस्ट्रिक्ट है, और ये जो अखनूर फोर्ट है वो चिनाब रिवर के राइट बैंक पे हमें देखने को मिलता है। अगर हम मियाँ तेज सिंह की बात करेंगे तो इनके द्वारा इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट की गई थी 1762 के अंदर, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो कम्प्लीट की गई थी राजा आलम सिंह के द्वारा इन 1802 एडी के अंदर। और ये अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर जो है प्रेजेंट में देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है ये अखनूर फोर्ट हमें देखने को मिलता है, इसके बिल्कुल साथ में यहाँ पे हमें चिनाब रिवर देखने को मिलता है। तो गर्मियों के अंदर जो है हम देखते हैं कि जो भी जम्मू के लोग हैं वो यहाँ पे जो है घूमने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे जो है नहाते वहाते हैं, स्विमिंग करते हैं। तो अब अमर महल पैलेस की बात करेंगे। अमर महल पैलेस जो है जम्मू के अंदर लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ तवी रिवर। अब अगर याद होगा अमर महल पैलेस बिल्कुल तवी रिवर के बिल्कुल साथ में हमें देखने को मिलता है। जब हम कश्मीर की ओर जाते हैं, नेशनल हाईवे के ऊपर चलते हैं, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है अमर महल पैलेस, जो कि लास्ट रेस्टिंग प्लेस भी मानी जाती है डोगरा रूलर्स की। तो इसको राजा अमर सिंह के द्वारा जो है 19th सेंचुरी के अंदर जो वो कंस्ट्रक्ट किया गया था, और 1975 को जो है इसको कन्वर्ट किया गया था एज ए म्यूजियम के अंदर। और अगर हम इस अमर महल पैलेस की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें गोल्डन थ्रोन भी हमें देखने को मिलता है, जो कि पूरा का पूरा सोने का बना हुआ है, जो कि जिसका 120 केजी सोना यहाँ पे जो है हमें देखने को मिलता है। एक यहाँ पे कुर्सी जैसी है जहाँ पे राजा बैठा करता है, और यहाँ पे पहाड़ी मिनिएचर कांगड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो लाइब्रेरी है 25,000 बुक्स हमें देखने को मिलते हैं, और मेनी रेयर आर्ट कलेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम इसकी बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे के बिल्कुल साथ में हमें देखने को मिलता है जो नांदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बिल्कुल साथ में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे इस पिक्चर से तो आपको डेफिनेटली पता चल गया हो। अब बलिदान सताम की बात करें तो बलिदान सताम जम्मू सिटी के अंदर जो है लोकेटेड है नियर द बहू फोर्ट, और इसको जो है 2008 के अंदर जो है कंस्ट्रक्ट किया गया था, और 2009 के अंदर जो है इसको इनाग्रेट किया गया था बाई द इंडियन गवर्नमेंट इन द मेमोरी ऑफ इंडियन सोल्जर। जितने भी इंडियन सोल्जर्स हैं जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो अपनी शहादत दी है, सेक्रीफाइस किया है अपनी लाइफ को फॉर द फ्रीडम ऑफ कॉमन पीपल, तो उनकी याद में जो है बलिदान सताम को जो है वह बनाया गया था। और ये 60 मीटर हाइट का ये स्तंभ है। यहाँ पे जो इमेज आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर इमेज यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसके अलावा बहू फोर्ट की बात करेंगे तो बलिदान स्तंभ के बिल्कुल साथ में जो है बहू फोर्ट हमें देखने को मिलता है, और ये लेफ्ट बैंक ऑफ तवी रिवर के ऊपर लोकेटेड है। और इसके ओरिजिनली जो है इसको राजा बहुलोचन के द्वारा जो है 300 ईयर्स एगो जो है वो बनाया गया था, और 19th सेंचुरी के अंदर जो है इसको डोगरा रूलर्स के द्वारा जो है इसको रिबोल्ट किया गया था। अगर हम इस फोर्ट की बात करेंगे तो इसके अंदर महाकाली माता का टेम्पल भी है, जिसको आम लोकल लैंग्वेज के अंदर बावे वाली माता टेम्पल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है इसकी इमेज आपको देखने को मिलती है, ये जो है यहाँ पे बिल्कुल बहुत सारी पार्क है, और ये जो है वो बहू फोर्ट है। अगर हम इसके बहू फोर्ट की बात करेंगे तो ये जो टेम्पल है ये बहू मेला ऑर्गेनाइज करता है ट्वाइस ए ईयर ड्यूरिंग नवरात्राज, और ये एक हेरिटेज साइट है जम्मू एंड कश्मीर की। और ये जो फोर्ट है ये इसके अंदर एक गार्डन भी है जिसको बागी बहू कहा जाता है, और यहाँ पे जो है फिश शेप्ड एक्वेरियम भी है जो कि लार्जेस्ट अंडरग्राउंड एक्वेरियम है हमारी कंट्री का। तो अगर भद्रवाह टाउन की बात करेंगे तो भद्रवाह टाउन को जो है मिनी कश्मीर या लैंड ऑफ स्नेक्स भी जाता है, जो कि डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, जो कि 80 किलोमीटर अवे फ्रॉम बटोत से है। और यहाँ पे जो है जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, मेला पथ है, सुबर धार मेला है, जो कि इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्वाड डांस के लिए, पहाड़ी फोक सॉन्ग या म्यूजिक के लिए। और यहाँ पे जो है भद्रवाह फोर्ट भी जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जो कि एक हेरिटेज साइट मानी जाती है। और यहाँ पे ओल्ड मॉस्को यहाँ पे जो कि 100 ईयर्स ओल्ड मॉस्को यहाँ में देखने को मिलती है, जो कि साथ में एक डिस्ट्रिक्ट जेल भी हमें देखने को मिलता है। और इसके अलावा वसुकी नाग टेम्पल भी जो हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे जो है ये आपको इमेज दिख रही होगी, ये भद्रवाह टाउन की इमेज है। तो नेक्स्ट रघुनाथ टेम्पल, रघुनाथ बाजार जो जम्मू कश्मीर की जम्मू सिटी का जो रघुनाथ बाजार है वहाँ पे हमें रघुनाथ टेम्पल हमें देखने को मिलता है, जिसको ये जो रघुनाथ टेम्पल है ये महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा जो वो बनाया गया था 1835 के अंदर, लेकिन बाद में जो है इसकी कंप्लीशन जो है रणबीर सिंह के द्वारा 1860 के अंदर जो है इसको कंप्लीट किया गया था। और यहाँ पे जो आइडल्स हमें देखने को मिलते हैं लॉर्ड रामा के, माता सीता के, श्री लक्ष्मण जी के आइडल्स
वीडियोस हमें देखने को मिलते हैं इस मेन टेम्पल रघुनाथ टेम्पल का, जो मेन टेम्पल है वहाँ पे हमें इन तीन आइडल्स की मूर्तियाँ देखने को मिलती है। याद रखें लॉर्ड रामा, रात माता सीता और श्री लक्ष्मण जी के। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो इनर वॉल्स है इस टेम्पल की वो गोल्ड शीट्स कवर की गई, मतलब कि गोल्डन पेंटिंग को किया गया ऑन थ्री साइड्स। और ये जो यहाँ पे ये जो टेम्पल है इसके अंदर संस्कृत मिनिएचर लाइब्रेरी भी देखने को मिलती है। ये जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये टेंपल है रघुनाथ टेंपल। तो नेक्स्ट मुबारक मंडी पैलेस। मुबारक मंडी पैलेस अगर हम देखेंगे तो जम्मू सिटी के अंदर लोकेटेड है। मुबारक मंडी पैलेस कम्प्लेक्स जो है राजा ध्रुव देव के द्वारा जो है वो इसकी फाउंडेशन डाली गई थी 1707 to 1733 के अंदर। और ये जो कम्प्लेक्स रिमेन द मेन सीट ऑफ महाराजाज ऑफ डोगरा डायनेस्टी टिल 1925। लेकिन जब अमर महल पैलेस बना तो फिर जो है इन्होंने अपनी गद्दी को जो वहाँ पे शिफ्ट किया। और फिर जब महाराजा हरि सिंह आए तो उन्होंने जो अपनी हरिनिवास पैलेस के अंदर अपनी जितनी भी गद्दी थी उसको जो है वो शिफ्ट किया था, जो कि नाथन पाटा जम्मू के अंदर आता है। तो यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलता है ये मुबारक मंडी कम्प्लेक्स। अब तो ऐसा नहीं है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है वो इन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के ऊपर जो है ध्यान नहीं देती है, हिस्टोरिक प्लेसेस को जो है देखती नहीं है। तो उसकी वजह से इनकी हालत जो है बिल्कुल दिन ब दिन जो है वो खराब होती जा रही है। तो ये एक काफ़ी बुरा इंसिडेंट है जम्मू एंड कश्मीर के लिए। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है, अगर हम इस मुबारक मंडी की बात करेंगे तो मुबारक मंडी पैलेस जो है वो बहुत राजस्थानी मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल के अंदर जो है वो बनाया गया था। और ये जो है पैलेस कम्प्लेक्स था जो कि जो एक टूरिस्ट मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। जो यहाँ पे हमें शीश महल देखने को मिलता है, पिंक हॉल भी देखने को मिलता है। और अगर हम इस पिंक हॉल की बात करेंगे तो यहाँ पे डोगरा आर्ट म्यूजियम भी जो है वो इसको अब बनाया गया है, जो कि जहाँ पे हमें मिनिएचर पेंटिंग्स देखने को मिलती है, जैसे कि हिल्स रोज ऑफ कांगड़ा जम्मू एंड बसोली की कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स देखने को मिलती है। और इस मुबारक मंडी पैलेस कंप्लेक्स जो है यहाँ पे हमें बो एंड एरो देखने को मिलता है मुगल एम्परर शाहजहां का, जो कि एक अहम टूरिस्ट अट्रैक्शन है बनाती है। अब थाना मंडी की बात करें तो थाना मंडी जो है राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, जो कि कुछ ही फासले पे जो है थाना मंडी आता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है फ्रॉम द टाइम ऑफ मुगल्स। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो थाना मंडी को जो है एक रेस्टिंग प्लेस माना जाता है। जब मुगल एम्परर जो है दिल्ली से कश्मीर की ओर जाते थे तो वो राजौरी वाले रोड से जाते थे, तो थाना मंडी के अंदर स्टे करते थे। और जब कश्मीर से आते थे तो थाना मंडी के अंदर स्टे करके जो है वो दिल्ली की ओर जो है रवाना होते थे। और अगर हम इस थाना मंडी की बात करेंगे तो इससे 6 किलोमीटर की दूरी पर जो है शाहदरा शरीफ देखने को मिलता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अब शाहदरा शरीफ की बात करेंगे तो इसकी कंस्ट्रक्शन जो है गुलाब सिंह के द्वारा जो है की गई थी इन द 19th century। और इसको बाबा गुलाम शाह बादशाह को जो है डेडिकेट किया गया था। अब तो शाहदरा शरीफ के बाबा गुलाम शाह बादशाह के नाम पे जो है बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी भी जो है वो वहाँ पे बनाई गई थी। अब इसको अबोड ऑफ लाइन भी कहा जाता है शाहदरा शरीफ को। अब धनीधार फोर्ट की बात करेंगे तो धनीधार फोर्ट जो है मियां हाथों के द्वारा जो है वो बनाया गया था, जो कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, जो कि गवर्नर थे मियां हाथों जो थे वो गवर्नर थे राजौरी के ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1855 AD के, जो कि एक मेन एम ऑफ कंस्ट्रक्शन द फोर्ट वाज टू कीप डोगरा फोर्सेस सेफ, क्योंकि जब भी जंग वंग होती थी तो उस वक्त जो है डोगरा फोर्सेस को जो है धनीदार फोर्ट के अंदर जो है वो स्टोर करके रखा जाता था। इसके अलावा जो जितने भी फूड ग्रेन्स थे वहाँ उनको जो है यहाँ पे जो है वो स्टोर करके रखा जाता था। तो नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे जो है शाहदरा शरीफ का या छोटा सा व्यू आपको दिख रहा होगा, अगर क्लियर नहीं आता होगा तो ज़रूर गूगल पे देखें। मैं तो 2 दिन पहले राजौरी होके आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इस जगह को जो है वो विजिट ना कर सका। उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो है मैं फिर से जाऊंगा और वहाँ पे जो है विजिट ज़रूर करूँगा। तो अब डोगरा आर्ट म्यूज़ियम की बात करेंगे तो जो कि मुबारक मंडी कम्प्लेक्स के अंदर जो पिंक हॉल है उसको डोगरा आर्ट गैलरी के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया गया है, और जो कि जम्मू सिटी के अंदर ही लोकेटेड है। और यहाँ पे जो है 800 रेयर पेंटिंग्स और आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं डोगरा डायनेस्टी के। और इसके अंदर जो पेंटिंग्स है वो डोगरा बसोली जम्मू स्कूल ऑफ मिनिएचर की जो है वो देखने को मिलती है। अब माता वैष्णो देवी की बात करेंगे तो माता वैष्णो देवी जो है वो त्रिकुटा हिल्स जो है वहाँ पे जो है इन द होली त्रिकुटा हिल्स के अंदर जो हमें देखने को मिलता है, जो कि शिवालिक हिल रेंज के अंदर आता है, जो कि 5200 feet अबोव द सी लेवल है। तो अगर हम ये एक ओल्डेस्ट श्राइन है इंडिया की माता वैष्णो देवी, जो कि एडमिनिस्टर किया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। अगर हम इसके अलावा देखेंगे तो ये कटरा टाउन के अंदर आता है, कटरा से 48 किलोमीटर अवे फ्रॉम जम्मू सिटी, 48 किलोमीटर जो है जम्मू से 48 किलोमीटर पे जो है कटरा आता है, और वहाँ पे जो है वहाँ से जो है ये 12 किलोमीटर की दूरी पर जाता है बेस कैंप, कटरा के बेस कैंप से 12 किलोमीटर की दूरी पर जो है माता वैष्णो देवी का श्राइन हमें देखने को मिलता है।
मिलता है। तो इसके अलावा अगर हम यहाँ पे जो है छोटा सा व्यू हमें देखने को मिलता है माता वैष्णो देवी का। अब अगर हम इस अबोर्ड की बात करें कि जो अबोर्ड है डेरा है माता गॉडेस वैष्णो देवी का, ये 98 फीट लॉन्ग केव के अंदर जो है हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो है नेचुरल पिंडास देखने को मिलते हैं माता सरस्वती के, महालक्ष्मी के, महाकाली माता के। तो तीन माताओं के जो है यहाँ पे हमें पिंडास देखने को मिलते हैं। और ये जो है सर्टन रिकॉर्ड्स हमें, देयर इज नो सर्टन रिकॉर्ड अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस टेम्पल, तो हमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता है कि ये टेंपल जो है कब वजूद में आया है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंदर भी जो है कुछ पता नहीं चला है। आज अब पंच बख्तार टेंपल के बारे में हम देखेंगे। पंच बख्तार मतलब कि फाइव फेसेस वाला टेंपल जो है, जो महादेव टेंपल इसको, पंच बख्तार महादेव टेंपल भी इसको कहा जाता है। और ये ओल्डेस्ट शिवलिंग शिवालयाज जम्मू सिटी इसको माना जाता है। और ये माना जाता है यहाँ पे जो है शंकराचार्य ने जो है विजिट किया था ड्यूरिंग 9th सेंचुरी के अंदर। और ये जो टेंपल है ये बाद में जो है राजा गुलाब सिंह, यहाँ पे जो है गुलाब सिंह या LAB यहाँ पे रखें, राजा गुलाब सिंह के द्वारा जो इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था 1687-1703 के अंदर। और यहाँ पे जो लिंगम है ये सेल्फ मैनिफेस्टेड है, मतलब कि खुद जो है यहाँ पे जो लिंगम है वो कंस्ट्रक्ट वजूद में आया था। और इसको जो है रुपए वाला मंदिर भी कहा जाता है, जो कि एक कनेक्टिंग लिंक है अमरनाथ यात्रा की ओर। तो सबसे पहले जो है पंच बख्तर टेम्पल के अंदर जो विजिट किया जाता है, और फिर जो है अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू की जाती है। ऐसा सारे लोग नहीं करते हैं, जिसको जल्दी होती है तो वो डायरेक्टली माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आता है, लेकिन जिनको पता है वो पंच बख्तर टेम्पल के अंदर जो है ज़रूर विजिट करते हैं। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे ये पाँच टेम्पल्स आपको दिख रहे होंगे इमेज में, तो ये जो है पंच बख्तर टेम्पल। अब पत्नीटॉप की बात करेंगे। पत्नीटॉप जो है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जो कि हिल टॉप रिसोर्ट है, जो कि नेशनल हाईवे 1A के अंदर ऊपर जो है देखने को मिलता है। शिवालिक बेल्ट जो हिमालयाज की यहाँ अबोद 2024 मीटर अबोद सी लेवल ये पत्नीटॉप हमें देखने को मिलता है। ये एक टूरिस्ट रिसोर्ट है, यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग यहाँ पे की जाती है, हॉर्स राइडिंग और इसके अलावा दूसरी एक्टिविटीज़ पत्नीटॉप के अंदर जो है की जाती है। अब नेक्स्ट पीरखो टेम्पल जो है तवी रिवर के बैंक पे हमें देखने को मिलता है इन द सिटी ऑफ जम्मू सिटी। और ये माना जाता है जो कि गुरु गरीबनाथ जो थे उन्होंने जो यहाँ पे विजिट किया था जम्मू के अंदर, और यहाँ पे जो है रिसाइडेड है पीरखो केव के अंदर जो उन्होंने रिसाइड किया था। और राजा अजय देव के अंदर के द्वारा जो यहाँ पे एक टेंपल बनाया गया था एट दिस केव फॉर जो कि पीर गुरु गरीबनाथ के लिए जो है इन्होंने जो यहाँ पे एक टेंपल बनाया था इन द 15th सेंचुरी के अंदर। और ये जो केव है इसके अंदर एक शिवलिंगा हमें देखने को मिलता है। वी आर ए लार्ज नंबर ऑफ डिवोटीज कम ड्यूरिंग पूर्णमास अमावस्या शिवरात्रि वगैरह इन फेस्टिवल्स के अंदर जो है यहाँ पे टूरिस्ट विजिट करते हैं जितने भी श्रद्धालु हैं। तो इसके अलावा अगर हम पुरमंडल टेंपल की बात करेंगे, तो पुरमंडल टेंपल जो है 40 किलोमीटर अवे है फ्रॉम द सिटी ऑफ जम्मू सिटी इन द सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और यहाँ पे जो है टेंपल कम्प्लेक्स है जो डिवोटेड है लॉर्ड शिवा को, जो है पुरमंडल टेंपल जो है वो डेडिकेट किया गया। इसको छोटा काशी भी कहा जाता है। और ये लोकेटेड है देविका रिवर के बिल्कुल बैंक पे जो है ये लोकेटेड है अंडरग्राउंड, जो कि एक अंडरग्राउंड रिवर है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शिवरात्रि और चैत्र चौदशे के अंदर जो है लार्ज नंबर डिवोटीज जो है यहाँ इस टेंपल के अंदर विजिट करते थे। अगर हम इस टेंपल की बात करेंगे तो 2600 ईयर्स एगो इस टेंपल को जो वो बनाया गया है। अब यहाँ पे जो इसकी इमेज भी आपको देखने को मिलती है। अब रणबीरेश्वर टेंपल की बात करेंगे। रणबीरेश्वर टेंपल जो है इसको लॉर्ड शिवा को जो है डेडिकेट किया गया है, और इसको महाराजा रणबीर सिंह के द्वारा जो है बनाया गया था 1883 के अंदर। और इन रणबीरेश्वर टेंपल के अंदर जो है 12 लिंगम देखने को मिलते हैं, जिनका टोटल हाइट जो है 15 सेंटीमीटर टू 38 सेंटीमीटर इनकी टोटल हाइट है। तो यहाँ पे जो है इसकी इमेज है। अब इसी के साथ ये छोटा सा वीडियो जो है खत्म होता है। अब दोनों वीडियो जो है आप जरूर गो थ्रू कर सकते हैं। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं तो वीडियोस को जो लाइक कमेंट और शेयर जरूर किया करें। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियोस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।